मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच मुरैना शिवपुर लोकसभा क्षेत्र के तीनों प्रत्याशियों को जिला प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। कांग्रेस के सत्यपाल सिंह नीटू सिकरवार, बसपा के रमेश चंद्र गर्ग और भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर पुलिस लाइन में बैठाए गए हैं। प्रत्याशियों के साथ एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मुरैना में हर चुनाव में विवाद की घटना सामने आती है, ऐसे में जिला प्रशासन ने चुनाव के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव और समर्थकों द्वारा हंगामा ना हो इसलिए प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। एसपी चौहान ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगा रहे थे कि उन्हें समय से पहले बुला लिया गया, लेकिन बाद में भी सारे प्रत्याशी आ गए थे। देखिए, अभी रक्षा में नहीं लिया गया है, यहाँ पे पूर्व में आप सभी लोगों की जानकारी में है कि यहाँ पे क्योंकि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए कैंडिडेट्स भी आपस में ये डिसीजन लेते हैं कि वो आपसी सहमति से आकर एक निर्धारित स्थान पर आकर बैठ जाते हैं कि जिससे कहीं कोई किसी प्रकार का फील्ड में इशू क्रिएट ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना बने, उनके जो समर्थक हैं आपस में कोई इशू क्रिएट ना करें। तो वो आपसी सहमति से, ये पूर्व से भी ये व्यवस्था रही है और उसी व्यवस्था को हम लोगों ने अभी अप्लाई किया है और कहीं किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है। दूसरी तरफ नजरबंद किए जाने से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह नीटू सिकरवार नाराज हैं। उनका आरोप है कि उन्हें सुबह 7 बजे से बुला लिया गया, वह अपना वोट भी नहीं डाल पाए। इसके अलावा कांग्रेस का एक बूथ एजेंट पुलिस द्वारा उठाए जाने पर भी कांग्रेस प्रत्याशी सिकरवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन पर सत्ता का दबाव है, प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है, इससे डरी भाजपा और प्रशासन चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। अभी एक एजेंट उठाया गया है, अगली बार अगर किसी का फोन आ गया, कौन सा इलाका है? सरायछोला मंत्री जी का गढ़, सत्ता का दबाव है, प्रशासन पर सत्ता का दबाव है। मुझे लगता है कि जिस बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयदेव लिखा हुआ है ना, जयदेव लिखा हुआ है, इनको हटा देना चाहिए। अगर प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो ठीक नहीं है ये। इधर अम्बा के कुंवरपुर गांव के पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने पर वीवीपैट से भाजपा को मतदान की पर्ची निकल रही थी। हंगामा होने के बाद मतदान को रोका गया। बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान में फर्जीवाड़ा हो रहा है। 60 नंबर पोलिंग बूथ पे बीएसपी वालों ने बटन दबाया, कमल के फूल की पर्ची निकल गई। वहीं प्रशासन द्वारा नजरबंद किए जाने के सवाल पर भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि प्रशासन ने बुलाया तो हम चले आए। वहीं बीएसपी द्वारा फर्जी मतदान के आरोपों पर भाजपा प्रत्याशी तोमर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बीएसपी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। ये तो प्रशासन से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने बुलाया तो हम लोग चले आए। तो रमेश गर्ग जी, तो फिर एक वोट भी नहीं निकलना चाहिए बीएसपी का, इसका मतलब तो जी एक जगह किसी ने फोन कर दिया, ऐसा हो रहा है। तमाम खबरों के बीच मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने प्रत्याशियों को नजरबंद किए जाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नजरबंद या अभिरक्षा में नहीं रखा गया है, प्रत्याशियों की स्वेच्छा अनुसार ही उन्हें एसपी द्वारा बुलाया गया है ताकि शांतिपूर्वक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो सके। आज प्रारंभिक जब हम लोगों का एक्चुअल पोल 7 बजे से स्टार्ट हुआ था तो कुछ जानकारियां आई थी कि कुछ गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनर्गल इस प्रकार की बातें की गई, जैसे वोटिंग के बहिष्कार जैसा। लेकिन सभी जगहों पे हमारे सेक्टर अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल इंटरवीन किया गया है। कोई भी जगह अभी ऐसी नहीं है, कोई मतदान केंद्र क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बहिष्कार है। सभी जगह वर्तमान में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चालू है। मुरैना में मतदान के बीच हिंसा की खबर भी सामने आई है। मुरैना कांग्रेस नेता केपी कंसाना, उनकी मां और भाई के साथ मारपीट हुई है। मारपीट में कांग्रेस नेता और उनके भाई घायल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस नेता ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंत्री के इशारे पर ही मारपीट की गई है। बता दें कि केपी सिंह कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के नाती हैं। अलग अलग पार्टी से होने के कारण एक ही परिवार में वर्चस्व की लड़ाई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।